मेरठ के अगवानपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के परिजनों के साथ मारपीट होने की घटना सामने आई है। परिजनों का कहना है कि अमानतुल्ला खान के चुनाव जीतने की खुशी में रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंच गई और जस्ट मना रहे लोगों के साथ मारपीट करने लगी। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बाकायदा अमानतुल्ला खान की बहनों ने खुद अपना बयान जारी करते हुए पुलिस पर मारपीट करने और गांव में घुमा घुमाकर जलील करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर जो हमला हुआ है, कि मारपीट की बात की गई है। आज दिल्ली में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें हमारे चाचा अमानतुल्ला खान ने जीत हासिल की है, जिसकी खुशी में हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे और वो मिठाई बांटते बांटते हमारी बैठक के आगे आ गए, जिससे अचानक से पुलिस आई और उनमें शोर शराबा मच गया। अब्बू ने पुलिस वालों से बोला कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशी है उनको। पुलिस वालों ने एकदम से मेरा अब्बू का गिरवान पकड़ा और बोले चल तुझे बिठाते हैं आज गाड़ी में, और उन्होंने मेरा अब्बू को बहुत गाली गलौच दी और बहुत बदतमीजी की, जिसका हमने विरोध किया तो उन्होंने हमें भी बदतमीजी की, हमें भी गालियां दी। दिल्ली में जो आज चुनाव का रिजल्ट आया है जिसमें मेरे भाई अमानतुल्ला खान ने जीत हासिल की है, जिसकी खुशी की वजह से हमारे गाँव के कुछ रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे, मिठाई बांटते में अचानक से पुलिस आ गई और उन्होंने उन पर हमला किया, जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई और शोर शराबा होने लगा। पुलिस वालों ने ये बात देखकर उन्होंने हमारे पीछे से बाल पकड़े और हमें घसीटते हुए पूरे गांव के चक्कर लगवाए। तो हमारे सहयोगी मुनव्वर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं विस्तृत जानकारी के साथ। तो मुनव्वर, ये पूरा मामला किस तरीके से, क्या पुलिस ने सही में इन पे हमला किया? जिस तरीके से अमानतुल्ला खान के परिवार के लोग कह रहे हैं कि पुलिस इनके जश्न के बीच आती है, उनके जश्न में खलल डाल देती है और उनके जश्न को माहौल को एक तरीके से मातम में तब्दील कर देती है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी है उनमें साफ तौर पर दिखता है कि इनके साथ काफी बर्बरता हुई है। देखिए, जैसे ही कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे जीत रहे थे, उनमें से एक मेरठ के अगवानपुर गांव का रहने वाला है अमानतुल्ला खान, जो कि औखला विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। और देर शाम जो अमानतुल्ला खान के परिवार वाले यहाँ रहते हैं, बहने हैं और भी तमाम लोग हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है, वीडियो जारी किए हैं उन्होंने। उन्होंने कहा है कि वो उनके रिश्तेदार जख्म मार रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस आ जाती है और पुलिस मारपीट करती है। जब इसका विरोध उनके चाचा करते हैं, जो कि अमानतुल्ला खान के चाचा है, उनके साथ भी बदतमीजी बदसलूकी की जाती है, लेकिन घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने उनको वहां से हटाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों पर जो आरोप है कि घर की महिलाओं को ही उन्होंने टारगेट किया है, जिसके साथ ना तो मारपीट की है बल्कि उनके बाल पकड़कर उन्होंने जो है प्रताड़ित किया है, उनके साथ बदतमीजी की है और गाँव में घुमाया है। यानी पूरी तरीके से जरूरत निकालने की बात की होकर जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, जबकि आरोप गंभीर है और इन आरोपों का जवाब मिलना भी चाहिए था, क्योंकि पुलिस अब तक रात से अब तक कोई जवाब नहीं दे पा रही। लेकिन जो ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं, अपने इन्होंने बाल दिखाए हैं, जो चोटों के निशान है गले पर वो दिखाए हैं, यानी कि ऐसे में माना ये जा रहा है कि पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन वहां पर हो रहा था, उसको लेकर के इन लोगों पर लाठी चलाई है और इनको वहां से हटाया है। लेकिन सबसे अहम बात ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ की कमिश्नरी चौराहे पर भी प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट भी एक तरीके से जश्न मनाया उन्होंने, और मेरठ के कई इलाकों में ऐसा हुआ, जबकि मेरठ शहर में 20 दिसंबर की घटना के बाद से ही धारा 44 लगी हुई है, लेकिन यहाँ इस तरह कोई बात नहीं आई। लेकिन देहात में, क्योंकि अगवानपुर अमानतुल्ला खान का गांव उत्तराखंड गाँव है और वहाँ इससे पहले भी सीए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन होने की बात सामने आ रही थी, उसमें भी लाठी चलाई गई थी, उसमें भी जो है पुलिस वालों ने इसी प्रकार उन पर आरोप लगे थे। लेकिन अब जब दूसरी जगह सड़क कोई बात नहीं है, मारपीट नहीं की गई है और धारा 44 पर कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि मेरठ की कमिश्नरी चौराहे पर तमाम पुलिस अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारी के दफ्तर है, तो अब अगवानपुर में इस तरह की घटना अगर आई है तो पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और पुलिस को अब तक इसमें कोई बयान देना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने अभी भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, तो जाहिर तौर पर यही जा रहा है कि हो सकता है कि पुलिस से गलती हुई हो, लेकिन अब गलती पर पर्दा डालने के लिए पुलिस चुप रहती है। सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि जब जीतता है उसके
उसके लिए जश्न बनता है, बाहर में लोग ऐसा हफ्ता देखा जाता है, लेकिन इस तरह के पत्रकार अगर आरोप लग रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है, इनका जवाब फिर से देना चाहिए। जी मुनव्वर, जी मुनव्वर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।